सो गाइस, इस तरीके से जो है भाई आपको प्लास्टिक मिलेगा, और इस प्लास्टिक से गाइस आप बनेंगी हमारी कुछ अलग अलग धलक धलक चीजें। सो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है एक और नए एपिसोड में वेल हेल्सिया 3K। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो भाई, जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि हम लोगों ने जो है यहाँ पे बिल्डर हट बना लिया था, यानी कि अपने बिल्डर का घर जो है वो बना लिया था, और इसको गाइज अभी हमें पहले तो अपग्रेड करना है लेवल 2 में, क्योंकि ये अभी लेवल 1 का है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और उसके अलावा गाइज ये है वो बिल्डर जिस जो कि हमारे लिए बिल्ड करेगा, यही है ना वो? नहीं, ये नहीं है। अबे साले, एक मिनट, मैं सभी को रिकॉल करता हूँ। अच्छा, ये तो मैंने बिल्ड पे लगाया हुआ है टाउन हॉल, तो मैं उसको बुला के देखता हूँ जरा कौन है, क्योंकि गाइज इसमें पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें ना बिल्डर्स बदल रहे हैं बार बार। हाँ देखो, ये अभी एक लड़की है जिसका नाम वी हॉल कुछ करके है। किसे कह रहा है? ये सब ना बिल्डर बार बार बदल रहे हैं, मतलब या तो ये मर जा रहे हैं तो ये दूसरे स्पॉन हो रहे हैं। अरे हैक्टर, कौन है? स्कैली है, देखो कितनी दूर से मार रहा है स्कैली मुझे, वहां पे पेड़ के नीचे छुपा हुआ है शायद। नहीं, पेड़ के नीचे नहीं, ये तो मेरे इसके अंदर है, और ये शायद छोटे वाला स्कैली है तेरी ऐसी की तैसी। हाँ देखो, ये छोटे वाला स्कैली था भाई, देख रहे हो भाई, जाता जाता भी मार रहा है मुझे भाई। और गाइस, मैं खाना नहीं लेके आया, तो खाना लेके आता हूँ। तो गाइस, जैसे कि भाई मैंने आप लोगों से लास्ट एपिसोड में बोला था कि मैंने थोड़ा ऊपर वाले रूम में जो है चेंजेस किए, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और गाइस, मैंने यहाँ पे 2 सैंडलियर लगाए हैं, यानी कि 2 झूमर लगाए हैं, वो बात अलग है, मैंने इनको टांगा नहीं है, मैंने इनको रख दिया है, तो रखने के बाद भी अच्छे लगते हैं वैसे, तो झूमर जो बनते हैं ना। तो गाइस, इस तरीके से भाई आप सैंडलियर बना सकते हैं, 4 टॉर्च रख के आराम से बन जाते हैं, फिर आप इनको कहीं पर भी लगाओ। तो यार, थोड़ा सा खाने की अपन को ज़रूरत है, तो मैं खाना ले लेता हूँ। तो भाई, मैं ऊपर वाला एरिया भी आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, मैंने क्या बनाया है ऊपर, टड़ा। तो गाइस, मैंने यहाँ पे भाई किचन बना लिया है ऊपर, मतलब यहाँ पे हमारा किचन बनेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, ये वाला जो मोड़ पैक है बहुत ज़्यादा मतलब खाने पीने से भरा हुआ है, और भाई इसमें भूख बार बार लगती है, तो इसमें भाई आप खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे आपको चाहिए ही चाहिए। तो भाई, मैंने यहाँ पे एक रसोई बना दिया, तो इसके अंदर तो खैर मैंने टॉर्चे रखी हैं, ये थोड़ा दिखावटी के लिए है। इसमें हम मसाले रख सकते हैं आने वाले टाइम में, मतलब मसाले वगैरह रख सकते हैं इसमें हम। और गाइस, इसमें हमारा खाना रखा हुआ है भाई, जिसमें ये थोड़ा सा कच्चा खाना, तो ये पका हुआ खाना मैं ले लेता हूँ। और इसमें थोड़े कैरेट, पोटैटो, और भाई ये है हमारा एप्पल। और एप्पल गाइस मुझे ओक वुड, ओक वाले वुड से मिल गई थी, क्योंकि वहाँ मेरे को बहुत सारे ओक के प्लैंक लेके आने थे, क्योंकि हम अपना गांव भी बिल्ड कर रहे हैं, तो भाई उसके लिए हमें बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है। चलो, वो अभी काम कर रहा है, वो हमारा बिल्ड कर रहा है टाउन हॉल, तो चलो उसको बिल्ड करने देते हैं टाउन हॉल को, और उसको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देख लूँगा। और गाइस, यहाँ पे है फ्रिज, वो बात अलग है, फ्रिज के अंदर कुछ रखा नहीं है। और यहाँ पे है गाइस कुकिंग टेबल। अब गाइस, ये कुकिंग टेबल को बनाने में भाई मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें लग गई है, और गाइस इसमें ना बहुत सारी चीज़ें कुक होंगी आने वाले टाइम में, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप देखो, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कुकिंग टेबल, तो ये रही गाइस कुकिंग टेबल। गाइस, इसको बनाने के लिए मुझे 2 डायमंड लगे भाई, देखो ये 2 डायमंड लगते हैं। इस तरीके से आप सिंपल बुक को कुक करो, तो भाई इस तरीके से आप कुकिंग टेबल बना सकते हो। बस इसको बुक को बनाने के लिए 2 डायमंड लगते हैं भाई, ठीक है, तो 2 डायमंड लगे इसके लिए। और गाइस, ये ओवन जो है बहुत इजी पीजी बन जाता है। ओवन में मैंने जो है कैरेट रखी हुई हैं, खैर ओवन के अंदर गाइस ये चीज़ें लगेंगे, वो पोर्ट वगैरह लगेंगे, वो मैं बाद में लगाऊंगा। बाकी देखो गाइस, ये इस तरीके से इसकी रेसिपी होती है, और ये कनेक्ट होती है, तो मैं ये कुछ इस तरीके से भाई, हाँ देखो अभी इसके अंदर चली गई है सारी की सारी चीज़ें, मतलब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है, तो मैं इसके अंदर रेसिपी सेलेक्ट करूंगा तो वो इसके अंदर चली जाएगी, बट अभी इसके अंदर ये नहीं पकेगी, क्योंकि भाई इसके अंदर मैंने कोल वगैरह कुछ नहीं डाला हुआ, वो बात अलग है। और गाइज, यहाँ पे जो है मैंने चाकू टांगे हुए हैं, और चाकू को मैं भाई ये जो नीचे कटिंग बोर्ड है ना, इससे यूज़ कर सकता हूँ, और मैं जो है भाई कटिंग वगैरह कर सकता हूँ खाने की, और खाने को कटिंग करके इसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे बर्गर वगैरह। तो ये थी गाइज हमारी रसोई, इसमें हम आने वाले टाइम में काम करेंगे, अभी उसमें ज़्यादा काम नहीं हुआ है, थोड़ा मैं खाना खा लेता हूँ पहले तो। और यार, मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मॉब स्पॉन हो जाते हैं, और मॉब स्पॉन होने की वजह से भाई वो हमारे वर्कर्स को मार देते हैं, हमारे विलेजर्स को, यार फिर उनको स्पॉन होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो चलो देखते हैं भाई, अभी हमारे वर्कर को कुछ चाहिए तो नहीं, खैर अभी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है भाई, दिन भी हो गया है। और उसके अलावा गाइज यार देखो, मैं जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें बनाने वाला हूँ अभी इस वाले में, तो अब मुझे गाइज क्या करना पड़ रहा है, मैं मेरे को ना बार बार देखो यहाँ पे जाके ना
यहाँ पे जाके मुझे मतलब इतनी दूर जाना पड़ रहा है मुझे घर के, तो मुझे ओक वुड लेके आनी पड़ रही है। तो यार मैं अभी क्या चाहता हूँ कि मैं एक ट्री फार्म बनाना चाहता हूँ जिससे कि मुझे दूर ना जाना पड़े और मेरे यहीं पर ही मुझे ट्री मिल जाए जैसे मैं चाहूँ वैसे। अब देखो मैं बहुत सारे सैपलिन तो लेके आ गया हूँ, मैंने यहाँ पे रखे हैं, तो 17 ओक सैपलिन है मेरे पास, बाकी स्प्राउट सैपलिंग भी है मेरे पास, और मेरे पास काफ़ी सारे अभी ओक लोग, और भाई मैंने बहुत सारी चीज़ें बना के भी रखी हुई जैसे फैंस हो गया, स्लैब्स हो गई, तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डेफिनेटली उनको दे के आऊँगा और टाउन हॉल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो गाइस अभी हम देखो ट्री फार्म बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और प्लास्टिक हमारा कैसे बनेगा, प्लास्टिक के लिए भी गाइस हमें जो है एक छोटी सी मशीन बनानी पड़ेगी प्लास्टिक बनाने के लिए। तो चलो भाई प्लास्टिक बनाते हैं, और प्लास्टिक के लिए गाइस अपने को रबड़ चाहिए होगा क्योंकि रबड़ से ही प्लास्टिक बनता है, और रबड़ किस चीज़ से बनता है, लेटेक्स से। जो लेटेक्स होता है वो जब सॉलिड में होता है तो उसको रबर बोलते हैं, और रबर जब लिक्विड में होता है तो उसको लेटेक्स बोलते हैं। तो लेटेक्स ये रहा भाई, ये रहा लेटेक्स। अब लेटेक्स से ही भाई रबर बनेगा हमारा। अब लेटेक्स को बनाने का एक तरीका है, तो चलो उसके लिए गाइज हमें सबसे पहले तो भाई ये फ्लूइड ट्रांसेक्टर बनाना पड़ेगा, और इसको बनाने के लिए भाई हमें एक पिस्टन बनाना पड़ेगा। तो सामान मैं ले लेता हूँ अपने इन्वेंट्री में, आयरन चाहिए होंगे, और भाई मैं थोड़ा गोल्ड और आयरन वगैरह भी लेके आया था तो वो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, काफ़ी सारा टिन वगैरह जो है मुझे मिल गया था। और गाइज वेल हेल्थ या 3 का गाइज अभी एक अपडेट भी आया था, और इस अपडेट में एक चीज़ ऐड करी है इन लोगों ने, हमें एक ऑटोमेटिकली एक वेस्टोन मिल जाता है हमारे इन्वेंट्री में, मतलब ये इन्होंने ऐड किया है हमारे इन्वेंट्री में एक ऑटोमेटिक वेस्टोन मिल जाता है जिससे कि हम कहीं पर भी होंगे ना वर्ल्ड में हम सीधा अपने घर पे आ सकते हैं। लेकिन आई होप कि आप लोगों ने घर पे भाई वेस्टोन लगा रखा हो, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊं, ये देखो मैं कहीं पर भी चला जाऊं इस वर्ल्ड में अगर मुझे अपने घर पे आना हो ना तो बस मुझे सीधा इस पे क्लिक करना होगा ऐसे करके, एंड यस देखो मैं कितना जल्दी घर पे आ गया भाई एकदम शॉर्टकट तरीके से। तो ये चीज़ ऐड करी है, और भी इन्होंने बहुत कुछ ऐड किया है अपडेट में, तो वो अब देखेंगे भाई क्या है, अभी मुझे सब कुछ तो नहीं पता चला है क्योंकि अभी आज ही अपडेट आया था इसका वेलेंसिया 3 का। भाई ये कुछ ना कुछ अपडेट देते ही रहते हैं सही में भाई। और गाइज इसका जो है कूल डाउन है ये 3 मिनट में समथिंग, या फिर शायद से 4-5 मिनट में कूल डाउन हो जाता है, मतलब फिर आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ गाइस मैं यहाँ से अपना बेड निकाल देता हूँ क्योंकि बार बार बीच में आ रहा है यार, और इस बेड को मैं लगा देता हूँ, चलो फिलहाल मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ खिड़की के पास, अभी नहीं अड़ेगा ये बार बार बीच में। तो भाई पहली चीज़ फ्लूइड एक्सट्रैक्टर हमारा बन गया है, ठीक है भाई। अब हमें गाइस बनाना है लेटेक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अब भाई इसके अंदर हमारा लेटेक्स जो है भाई प्रोसेस होगा, तो इसके लिए हमें फिर से ये मशीन बनानी पड़ेगी, एक बना लेते हैं। और भाई एक वाटर बकेट चाहिए होगी, रेडस्टोन, आयरन, एक फर्नेस भी चाहिए होगा, तो एक फर्नेस भी बना लेता हूँ मैं, सामान मेरे इन्वेंट्री में है ही। तो इसकी भी सब चीज़ें आ गई गाइस, लेकिन हमें 2 बकेट चाहिए होंगी तो मैं 1 बकेट और बना लेता हूँ। ओके तो 1 बकेट पानी की चाहिए होगी, 1 लेटेक्स की चाहिए होगी, तो भाई लेटेक्स तो अभी हमारे पास है ही नहीं तो उसका जुगाड़ करेंगे गाइस। अब गाइज हमें एक चीज़ और बनानी पड़ेगी, हमें शिंक बनानी है, शिंक के लिए भाई टेराकोटा चाहिए, वाटर बकेट चाहिए। तो देखो भाई टेराकोटा मैंने थोड़ा पहले से ही बना के रखा हुआ था, कितना चाहिए होगा गाइज ये है ना कभी कभार काम करता करता ना रुक जाता है, मतलब बहुत स्लो हो जाता है काम करता करता, ये पता नहीं क्या है यार, ये बहुत स्लो मोशन है यार। यस सिंक आ गई है हमारे पास। और गाइज अब हमें पाइप बनाना पड़ेगा जो कि इलाइट मैकेनिकल पाइप है गाइस, इसको बनाने के लिए गाइस हमें एक ही एडवांस मैकेनिकल पाइप चाहिए होगा, और एडवांस को बनाने के लिए बेसिक चाहिए होगा, और बेसिक बनता है भाई बकेट से और स्टील से। तो बकेट हमारे पास है तो हम स्टील ले लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा 8 बना लिए, आई थिंक 8 काफ़ी रहेंगे भाई, या 8 और बना लेता हूँ मैं, 16 हो जाएंगे, काम ही आएंगे यार ये थोड़े। तो अब बना लेते हैं भाई एडवांस वाले, और एडवांस वाले के लिए इन्फ्यूज्ड अलॉय चाहिए भाई, और इन्फ्यूज्ड अलॉय जो है इसके अंदर बनेगा हमारा इन्फ्यूज़र में। वैसे क्या मेरे पास पहले से भी बने हुए रखे थे क्या, लेट मी चेक। ओके एक ही रखा था मेरे पास, और भाई ये वायर भी ले लेता हूँ मैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़े से और बना लेते हैं। चलो भाई अभी एडवांस वाले बना लेता हूँ मैं ये पाइप, 8 और ले लेता हूँ तो 16 हो जाएंगे, ठीक है भाई। और अब भाई इलाइट वाले बनाते हैं, लेकिन इलाइट वाले के लिए गाइस इन्फोर्स अलॉय बनाना पड़ेगा भाई, इसके लिए हमें चाहिए होगा डायमंड एक, क्योंकि डायमंड से ही बनेगा भाई, और डायमंड की डस्ट से बनेगा, डायमंड से नहीं बनेगा, डायमंड की डस्ट से बनेगा, जिसके लिए भाई हमें एक क्रशर बनाना पड़ेगा। और भाई क्रशर बनाने के लिए मुझे 1-2 लावा की बकेट चाहिए होंगी, स्टील केसिंग चाहिए होगी भाई। ओके
भाई अब मुझे ग्लास चाहिए, ओजमियम चाहिए और स्टील चाहिए। ठीक है भाई, रेसिपी बढ़ती जा रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे भाई। सब कुछ लेके आ गया गाइस मैं, लावा की बकेट भी मेरे पास आ गई हैं, क्रशर, लेट्स गो गाइस। क्रशर भी गाइस बन गया है। अब गाइस क्रशर को भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, बस हमें ये जो है ये हटाना पड़ेगा यहाँ से और वायर लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, अब आ गया होगा उसको पावर। ठीक है गाइस, इसको पावर आ गया भाई। अब हमें इसके अंदर डालना है एक डायमंड। डायमंड मेरे पास 14 है, मैं थोड़े डायमंड लेके आ गया था भाई नीचे से। तो चलो भाई, ये क्रैश कर रहा है भाई, इसकी आवाज़ बड़ी अलग है भाई, देख रहे हो किस तरीके से क्रैश कर रहा है। सही है भाई, आई थिंक क्रश कर दिया इनने। ओके गाइस, एक डस्ट मिल गई है भाई हमें, और अब हमें बनाना था गाइस ये इलाइट वाला पाइप, तो इसके लिए ये चाहिए। तो एक चाहिए भाई हमें डायमंड की डस्ट और एक चाहिए इन्फ्यूज्ड अलॉय। तो इसके अंदर तो देखो भाई बहुत सारा रेड स्टोन है, तो इसको हटाने के लिए एक सेकेंड मैं थोड़े से ये बना लेता हूँ यार इसको हटाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो हटेगी नहीं। डायमंड डस्ट और एक हमारा अलॉय बनेगा। अरे यार एक डायमंड डस्ट से कुछ नहीं हो रहा, व्हाट द हैक, कितने डलेंगे भाई फिर। यार ये केबल तो बड़ी महंगी पड़ रही है यार। ओके दो डलेंगे, एक और डालना पड़ेगा यार हमें, 20 MB दिखाया उसमें। चलो भाई हम ये देख लेते हैं बन गया। ओके तो ये इसमें डाल देते हैं, अब बन जाएगा भाई, अब चीज़ बन जाएगी। तो गाइज हमारी तीन चीज़ बन जाएगी ये प्रोसेस यूनिट बनने के बाद। चलो गाइज फाइनली गाइज अपने पास पाइप हो चुके हैं, और अब गाइज अपने को एक चीज़ बनानी है कॉन्फिग्रेटर। अब इसको बनाना बहुत ज़रूरी है गाइज, जिसके लिए भाई हमें चाहिए एनर्जी टैबलेट, और एनर्जी टैबलेट कुछ इस तरीके से बनता है, हम इसको बना सकते हैं। और अब इसके बाद ये चीज़ बन जाएगी। ओके मुझे एक लैपिज और एक स्टिक चाहिए होगी, तो एक स्टिक और एक लैपिज। ओके अभी बन जाएगा कॉन्फ्रिगेटर, ये बन गया भाई कॉन्फ्रिगेटर। अब गाइज इसको हमें पावर देना होगा भाई, अब इसको पावर कैसे दे भाई, अब इसको चार्ज करना पड़ेगा गाइज। अब देखता हूँ मैं इसको चार्ज कैसे कर सकते हैं हम, रुको यहाँ से कर सकते हैं। ओके यहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं भाई हम इसको, ये एक चार्जर भी होता है। ठीक है भाई, ओके गाइस तो ये फुल हो गया भाई। तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, बस एक दो चीज़ और बनानी है, फिर उसके बाद हम जो अपना ये सामान बना पाएंगे। प्रोसेस यूनिट रहता है, फ्लूइड एक्सट्रैक्टर बन गया। ओके गाइस ऑलमोस्ट हमारी चीज़ें बन गई है भाई, तो चलो अभी हम जो है इस मशीन को लगाना शुरू करते हैं। तो हमारे पास कॉन्फ्रिगेटर आ गया, फ्लूइड एक्सट्रैक्टर आ गया, सिंक आ गई है और पाइप आ गए हैं जो कि हमें चाहिए थे भाई। ठीक है तो अब हम ये मशीन जो है गाइस लगा लेते हैं। कहाँ लगाए इस मशीन को, इधर ही लगा देता हूँ मैं, पास में ही है ना, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। तो ये फ्लूइड एक्सट्रैक्टर को मैं लगा देता हूँ, मैं इसको लगा देता हूँ इधर, लगा देता हूँ मैं इसको। ठीक है और अब इसके अंदर हमें एनर्जी डालनी होगी कुछ इस तरीके से। एनर्जी आ गई, यस गाइस एनर्जी इसमें आ गई है पूरी भर के। और अब गाइस इसके आगे जो है ना, इसके आगे हमें लगने होंगे लॉग, तो इसके आगे इस तरीके से लॉग रखेंगे, तो इसके अंदर जो है गाइस फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा। देखो ये लेटेक्स आना इसमें शुरू हो गया है, ठीक है। और जब इसमें लेटेक्स आ जाएगा अच्छी तरीके से, तो हम जो है भाई देखो ये लकड़ियों में से लेटेक्स निकलता है गाइस, मतलब जो रबर होता है लकड़ी से ही बनता है, अगर आप लोगों को पता होगा। लेकिन गाइस ये रियल लाइफ में पर्टिकुलरली एक लकड़ी से बनता है, और ये तो गेम है, तो इसमें हम किसी भी लकड़ी से निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी लॉग से निकाल सकते हैं। तो अभी हम ओक लॉग से निकाल रहे हैं लेटेक्स। तो जब इसमें एक बाल्टी आ जाएगा, तो हम यहाँ से एक बाल्टी भर लेंगे भाई। तो ये बाल्टी भर जाएगी हमारी जब इसके अंदर एक बाल्टी आ जाएगा, और फिर एक बाल्टी आने के बाद फिर हम जो अपना ये प्रोसेस यूनिट भी बना सकते हैं, जिसमें कि हमारी रबर बनेगी। देखो गाइस मेरे को बार बार ना सोने आना पड़ता है यहाँ पे, तो अब मैं क्या करूँगा गाइस, सोने से पहले मैं एक बनाऊँगा भाई स्लीपिंग चार्म। और स्लीपिंग चार्म बनाने के लिए भाई मुझे क्या क्या चाहिए होगा देख लेता हूँ मैं। मुझे चाहिए भाई ब्लैक डाई चाहिए होगी, और मेरे पास वीदर रोज नहीं है, तो मैं ब्लैक डाई किस चीज़ से बना सकता हूँ, इंक सैक से बना सकता हूँ, और इंक सैक भी मेरे पास शायद से नहीं है।
लेट मी चेक, मैं एक इंक सैक तो लेके आया था यार, कहाँ रख दिया? शायद मेरे पास इंक सैक नहीं है, बट मैं लेके आ जाऊँगा। मेरे घर के पास में बहुत सारे स्क्वाड हैं, इनको मार के लेके आता हूँ मैं इंक सैक। और उसके अलावा क्या क्या चाहिए भाई? एक फैंटम चाहिए, रेड डाई चाहिए, येलो डाई चाहिए, वाइट चाहिए। तो येलो डाई के लिए भाई ये रहा, और रेड डाई के लिए भाई रेड फ्लावर था तो मेरे पास। चलो रेड डाई के लिए मैं फ्लावर ये रोज बुश, तो इससे बन जाएगा शायद रेड डाई। हाँ बन गया इजी पीजी। येलो भी ले लेता हूँ, और चाहिए वाइट डाई। तो वाइट के लिए तो भाई हम ऑक्सी डेजी, क्या नाम है इसका, इसका यूज़ कर सकते हैं वाइट के लिए। मिल गई, ठीक है भाई। और चार स्ट्रिंग भी चाहिए थे, मैं कैसे भूल सकता हूँ। दो तो ये रहे, और बाकी के नहीं है मेरे पास। मेरे पास स्ट्रिंग नहीं है, व्हाट द हैक यार, अब स्ट्रिंग का क्या करें। चलो कोई नहीं, स्ट्रिंग शायद इधर उधर मिल जाएंगे मुझे कहीं से भी। जैसे मैं अगर जाके देखूँ ना, तो ये भी मारते हैं मॉब्स को, तो मैं देख लेता हूँ इनके पास मिल जाए, क्योंकि ये भी मॉब्स को मारते हैं। ओके यहाँ पे पांच स्ट्रिंग रखे हुए हैं, और एंडर पल भी है। इन एंडर पल्स का हम बाद में यूज़ कर लेंगे भाई। तो ये भी मारते हैं, पता है आप लोगों को, मॉब्स को, मतलब ये मॉब से फाइट करते हैं, जितना को मार सकते हैं मार सकते हैं, बाकी खुद मर जाते हैं। फिर ये वो रही स्क्वाड मेरे सामने जस्ट। तो यहाँ पे एक रेड कलर के स्क्वाड भी है, इसको ही मार लेते हैं ना। क्या इससे रेड डाई मिलेगा? मर गई यार वो, तो मर गई बड़ी जल्दी, लेकिन उससे पता नहीं कुछ मिला क्या नहीं मिला। ओके मेरे को इंक सैक मिल गया भाई, मिल गया मुझे इंक सैक। चलो भाई अब बन जाएगी मेरी चीज स्लीपिंग चाम, फैंटम और वाइट डाई। हाँ मेरे को वाइट डाई चाहिए होगी, और ये क्या है, वाइट ग्रे डाई है ये, ठीक है। तो मुझे वाइट डाई के मैं लिए बोन मिल का यूज़ कर सकता हूँ। और फैंटम मेरे को मिला ही था, कहाँ गया फैंटम, ये रहा फैंटम मेम्ब्रेन। ये बन गया स्लीपिंग चार्म। अब गाइज मुझे नहीं पता है स्लीपिंग चार्म किस तरीके से यूज करता है, बस इसको अपने इन्वेंट्री में रखना होता है, इतना मुझे पता है, कहीं पर भी आप रख सकते हो। ओके आ गया भाई, इधर आ गया है। चलो एक चार्म लग गया भाई। अब आई डोंट नो भाई वो किस तरीके से काम करेगा, देखेंगे वो तो रात होने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइज लेटेक्स भी बन गया होगा, देख लेते हैं। एक बकेट लेटेक्स तो बन गया होगा अभी, नहीं बना यार अभी तक, एक बकेट लेटेक्स तक नहीं बना भाई, एक बकेट भी नहीं बना। कितने में बनता है एक बकेट? 1000 MB में एक बकेट होता है आई थिंक। मुझे लगता है गाइस ये मुझे एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे फ्लूइड एक्सट्रैक्टर, तो देख लेते हैं यार ये एक्स्ट्रा ही बनाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि यार एक से तो काम नहीं चलेगी, तो बड़ा धीरे प्रोसेस हो रहा है। चलो गाइस मैंने ये तीन और बना लिया भाई फ्लूइड एक्सट्रैक्टर, तो अभी मेरे हमारा काम जो है थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा। सो गाइज मैंने यहाँ पे चारों के चारों फ्लूइड एक्सट्रैक्टर लगा दिए हैं भाई, और ये कुछ अब इस तरीके से काम करेंगे। ये इसमें से लोग में से लेटेक्स निकालेंगे, और इन सब में जो है लेटेक्स आना शुरू हो गया है। यानी कि गाइज 1000 MB जो है ना एक बकेट होता है, तो अभी इसके अंदर गाइज 642 MB आ गया है लेटेक्स। तो 1000 आते के साथ ये बकेट जो है भर जाएगी मेरी, और फिर मैं प्रोसेसिंग यूनिट भी बना लूँगा। तो अभी गाइज हम ये इलाइट पाइप जो है यहाँ पे लगा देते हैं, ताकि भाई इन दोनों इन सब का जो है एक दूसरे में आए। तो मैं इसका जो है पुश पे कर दूंगा, तो मुझे अब अपना कॉन्फ़िगरेटर चाहिए होगा। तो इसको गाइस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये टर्न ऑन और गाइस ऑफ, ऑन ऑफ अगर मैं शिफ्ट के साथ करता हूँ तो देखो ये पुश पे आ गया है, ठीक है। और अब एक बार और कर देता हूँ तो ये पुल पे आ जाएगा। अब नीचे वाले को भी पुल पे कर देता हूँ गाइस। सो गाइस यार ये सही तरीके से काम कर रहा है अभी भाई,
टोन हाल को बिल्ड कर दिया इनने ऑलमोस्ट, तो थोड़ा सा ही रह गया। लेकिन यार इसने ये पागल पुगल हो गया है क्या, इसने मुंह गलत साइड बना दिया भाई टोन हॉल का। इस साइड नहीं चाहिए था मुझे मुंह यार, व्हाट द हेक, ये बावला हो गया क्या भाई, ये इसने कहाँ की तरफ बना दिया टोन हॉल का मुंह यार, शिट मैन, ये पागल हो गया भाई ये वर्कर, मेरे को नहीं समझ में आया। और इसने एक ब्लॉक नीचे बनाया है टोन हॉल, बहुत ही बड़ा वाला बेवकूफ है भाई साहब। और इनका तो क्या ही कहना भाई, ये पट से हेडशॉट देते हैं ना यार सही में भाई। यार अब मैं ना ऐसा करता हूँ, देखो ये टोन हॉल ने पूरा का पूरा गलत बिल्ड कर दिया, पूरा का पूरा गलत। एक एक ब्लॉक नीचे बिल्ड किया इनने, मैंने एक ब्लॉक ऊपर बोला था इसको, मैं कैंसिल कर दूंगा यार इसको सच में भाई। ये क्या किया भाई तूने, जल्दी बता यार तूने क्या किया वहाँ पे, कुछ भी मतलब कुछ भी बिल्ड कर दिया तूने टोन हॉल को। भाई क्या बेइज्जती कर रहा है भाई, ये सुनता ही नहीं है। चल कोई नहीं, इसको बिल्ड करने दो यार, अब क्या ही डिस्टर्ब करें अभी इसको। हम एक बेसिक टैंक बना सकता हूँ मैं, जो कि मेटल से और रेडस्टोन से बन जाता है। लेट मी चेक बनेगा क्या, अगर बन जाएगा तो डेफिनेटली यार ये टैंक मैं बना लूँगा। ये बन गया बेसिक फ्लूइड टैंक। अभी इस फ्लूइड टैंक में मैं इकट्ठा कर लेता हूँ ये सारा का सारा फ्लूइड फिलहाल के लिए। तो हाँ ये लगा दिया मैंने, अभी भरेगा इसके अंदर। ओके तो मैं इनका भी इकट्ठा कर देता हूँ इसके अंदर, ताकि इनका भी भर जाए भाई। इनका भी मैंने हटा दिया था, तो ये भी कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। चलो भाई ठीक है भाई, अभी हो गया। ओके गाइस तो अभी इसके अंदर भरना। ओके 3000 MB आ गए इसके अंदर, तो अभी मैं इजी पीजी इसके अंदर बकेट भर सकता हूँ। तो बकेट मेरे पास आ गई है भाई भरी हुई लेटेक्स की। ओके गाइस तो इसके अंदर से मैं बकेट निकाल लेता हूँ फिर यार, इसके अंदर मैंने बेफालतू में बकेट रखी हुई है। तो अब गाइस मैं प्रोसेस यूनिट बना लेता हूँ फटाफट से, तो एक प्रोसेस यूनिट बन जाएगा अब मेरा। ओके बन जाएगा भाई, जी जी। तो अब इस प्रोसेस यूनिट को मुझे लगाना पड़ेगा भाई इधर कहीं पर ही, इनके पास में ही लगा देता हूँ मैं, यहाँ पर ही लगा देता हूँ कहीं पर, पेल देता हूँ इसको। ओके मैंने यहाँ लगा दिया प्रोसेस यूनिट, और गाइस मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया ताकि मुझे भाई वायर बच जाए मेरी थोड़ी पावर की। और अब इसके अंदर गाइस मुझे ये जो है इलाइट पाइप की जो केबल है वो लगानी पड़ेगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि गाइस अब मुझे जो है कनेक्शन करना है इसके अंदर लेटेक्स का। तो आ गया, एक मिनट मुझे वहाँ से पुश करवाना पड़ेगा, यहाँ से पुश करवाना पड़ेगा। ओके तो यहाँ से पुश हो गया है, तो इसके अंदर भाई सारा का सारा लेटेक्स आना शुरू हो गया है। अब मुझे इसके अंदर पानी और डालना है गाइस, पानी के बगैर गाइस इसके अंदर जो है नहीं जाएगा भाई। यहाँ लगा देता हूँ सिंक, और ये पाइप यहाँ बीच में लगा देता हूँ, और यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा और इसके अंदर। तो पानी भी आ गया है और लेटेक्स भी इसके अंदर आ गया है। तो भाई अब जो है इसके अंदर रबड़ बनना शुरू हो जाएगा, देखो इसमें टीनी रबड़ बननी शुरू हो गई है। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो नो टीनी ड्राई, अबे सुखानी भी पड़ेगी क्या ये रबड़, अच्छा हाँ सूखी सुखाई है, सूखी हुई है। तो इसको मिला करके गाइस इसमें जो ड्राई रबड़ बनेगी, मतलब बड़ी वाली रबड़ बनेगी, नो रबड़ से, इस बड़ी वाली रबड़ से गाइस बनेगा प्लास्टिक। तो अभी दिखाऊंगा किस तरीके से बनेगा, फिलहाल तो हमारा ये कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म है गाइस। मैं इसको ये अभी पूरी तरीके से ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, क्योंकि हमें ये जो लोग हैं ये मैनुअल आके रखने पड़ेंगे गाइस, ठीक है। तो अब मैं आने वाले टाइम में इसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दूंगा, कुछ मतलब कुछ इस तरीके से इसको फिट कर दूंगा। यहाँ पे एक जो है डिस्पेंसर लगा दूंगा, और वो क्या करेगा गाइस, यहाँ पे अपने आप ही जो लोग है वो अपने आप ही प्लेस करेगा। और जब लोग अपने आप प्लेस होंगे तो भाई ये इन्फानाइट रबड़ जो इसके अंदर बनती रहेगी। और अभी हमारे पास छोटी छोटी बहुत सारी रबड़ आ गई है, तो अभी चलते हैं हम इधर अंदर, और अब इसकी एक बड़ी वाली रबड़ बना लेते हैं। तो एक बन गई है गाइस, अब इसको हमें जो है फर्नेस के अंदर कुछ इस तरीके से डालना पड़ेगा, और अब आपको मिल जाएगा प्लास्टिक। सो गाइस इस तरीके से जो है भाई आपको प्लास्टिक मिलेगा, और इस प्लास्टिक से गाइस अब बनेंगी हमारी कुछ अलग अलग धलक धलक चीज़ें, और जिनके लिए हमें प्लास्टिक चाहिए था। तो गाइस हमने प्लास्टिक का आविष्कार कर लिया है भाई, और अब ये प्लास्टिक गाइस हमारा यूज़ होगा भाई बनने में बहुत बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें। और गाइस अब हम जो है ट्री फार्म बना सकते हैं, और यहीं कहीं मैं अपना ट्री फार्म लगाऊंगा, जिससे कि मुझे लॉक्स की कमी ना रहे। और भाई इस बेवकूफ़ ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका मुंह जो है ना गलत साइड कर दिया है, तो वो भी मेरे को ठीक करना पड़ेगा ऑफलाइन। इसको दोबारा बिल्ड करवाना पड़ेगा। अब इसको दो डोर चाहिए,
अब मैं गाइस इसको डोर नहीं दूंगा, मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि भाई मुझे बनवाना ही नहीं है वो हट पूरा। तो यार आज के वीडियो में गाइस इतना ही था, आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। अगर मजा आया तो प्लीज लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे नए हो तो। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट? तो आई होप कि समझ में आया होगा भाई आप लोगों के। अगर समझ में नहीं आया तो इसको वापस से चला के देखो भाई, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।